तुम कैसे हैं सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब भी अच्छे हैं। ये कुछ चीज़ें आई हुई थी मेरी रोज़ा की, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाऊं। मैं ये मिल्क है, हम रोज़ा के लिए यही ही लेते हैं, और जब से वो पैदा हुई है यही वाला मिल्क ही लेती है। ये मेरे मोहम्मद हसन को सूट नहीं करता था, मगर रोज़ा को बहुत अच्छे से सूट करता है। और ये कुछ चीज़ें थी, हम ऐसे करते हैं कि हम 2 से 3 महीने की एक साथ चीज़ें ले लेते हैं, जिसमें वाइप्स होते हैं, डायपर्स होते हैं और मिल्क होता है, और भी जो रैश क्रीम या कुछ ऐसे ख़त्म हो जाती हैं तो वो भी साथ मंगवा लेते हैं 2 से 3 महीने का। तो वही सारी चीज़ें नहदी से आई हुई थी। अच्छा, उसके बाद मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों को कह रही हूँ कि मैंने 2 अबायास मंगवाए हैं, मगर मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं था। तो आज मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों को दिखाऊँ। हमेशा से बस यही सोच रही थी, आज दिखाती हूँ, कल दिखाती हूँ, आज दिखाती हूँ, बस इसी तरीके से होता जा रहा था। बस फाइनली आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इनसे मैंने पहले भी एक अबाया मंगवाया था, जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और बहुत सैटिस्फाइड भी थी। तो बस फाइनली मैंने ये एक और मंगवा लिया था इनसे। ये जॉ कोई ब्रांड है और बहुत अच्छा फैब्रिक होता है इनका। इसकी जो प्राइस है वो तो मैं बिल्कुल ही भूल गई हूँ, 200-250 के करीब ही होगी या इसके अंदर अंदर ही होगी, और क्योंकि काफ़ी ही टाइम हो गया है और ये अभी तक मैंने पहना भी नहीं है। इसकी अभी तक मुझे नींद ही नहीं हुई, मगर मुझे यही होता है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि मैं यहाँ पर एक नाइट सूट्स बहुत सारे लेती हूँ, बहुत लेती हूँ, और एक अबायास मैं बहुत ज़्यादा लेती हूँ। उसके बाद ये है दूसरा अबाया, और ये मैंने लिया है हवरा अबाया से, और इनसे मैंने पहली दफ़ा ही मंगवाया है, और इस अबाया को मैंने 2 दफ़ा पहन लिया है अभी तक। जी बिल्कुल, मैंने 2 दफ़ा ही पहना है और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा है। इसका भी फैब्रिक बहुत अच्छा है। इनसे मैंने कोई अबाया नहीं मंगवाया, कुछ भी नहीं मंगवाया, और बस ये पहली दफ़ा ही था मेरा, और ये मैंने कुछ अलग मंगवाया इस बार। ये पूरा कोट है, आगे से फ्रंट ओपन है, और ये इसकी स्लीव्स हैं। जब मैंने इसे पहना भी था तो मैं काफ़ी ही खुश थी और काफ़ी ही अलग था ये। तो बस अब मैंने यही सोचा है कि मैं इनसे और भी मंगवाऊंगी इंशाअल्लाह। और ये है कि वैसे सच बताऊँ तो मैंने अभी भी फिर से 2 अबायास एजुकाट किए हुए हैं, तो बस यही चल रहा है। अच्छा, इन्होंने मुझे ये गिफ्ट भी भेजा था। उसके बाद ये सुबह की वीडियो थी, और अब जो मैं आप लोगों को वीडियो दिखा रही हूँ ये अजान से कुछ 15 से 20 मिनट पहले की थी, और मैं बिल्कुल अब सफाइयाँ कर रही थी। सब कुछ आज मेरा तैयार था। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि मैं 10-15 मिनट पहले फारिग हो जाती हूँ, तो आज तो थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा बच गया था। वही 2 बजे से ही मैंने काम अपना स्टार्ट किया था, और मैंने आज 5 किस्म की चीज़ें बनाई थी, और आज आके मैं बताती हूँ कि मैंने क्या बनाया था। तो बस यही था, सफाई दिखाने का आज मतलब ये है कि अब सब कुछ मेरा बन गया था। ऐसा नहीं है कि मैंने 5 किस्म की चीज़ें बनाई हैं तो हर एक चीज़ बनाने के बाद मैं सफाई करती थी, जो भी उसके बर्तन होते थे उसे पहले क्लीन करती थी, जो भी सफाइयाँ होती थी पहले वो करती थी, फिर दूसरी चीज़ बनाती थी। तो ये नहीं है कि आज मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि मुझे फिर परेशानी लग जाती है अगर मेरा किचन गंदा हो या कुछ भी ऐसा हो, तो मुझे बस फिक्र होती है कि सबसे पहले मैं इसे क्लीन करूं और उसके बाद ही। अब देखें, मैंने ये क्लीन कर लिया था तो अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इफ्तार की जो भी कुछ ही बर्तन होंगे बस वो ही होंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। और बस यही है, देखें अब मैंने सब कुछ थोड़ा थोड़ा सा अच्छे से क्लीन कर लिया है, जो जो मैं करना चाहती थी, जो जो मुझे ऐसा लगा कि ये गंदा है या ये ख़राब हो गया है, चीटें आ गई हैं या कुछ भी, तो ऑयल की,
तो बस इसी तरीके से मैं कर रही होती हूँ। तो मैंने अब बिल्कुल अपना किचन जो है वो बिल्कुल साफ़ कर दिया था। बस अब जो भी हम इफ्तार में जो भी हम खाएंगे, जो भी प्लेट्स होंगी, जो भी ग्लासेस होंगे, बस उसको ही वॉश करना होगा। तो ये डेली ही मेरा इसी तरीके से होता है। ये नहीं कि रमदान में स्पेशली ऐसा है, मैं वैसे भी आम दिनों में भी बिल्कुल ऐसे ही करती हूँ। अच्छा, उसके बाद ये मेरी खूबसूरत सी टेबल, आज मैंने बनाया था चाइनीज़ खाना ही था। आज बस ये था कि हम पकौड़ों से बहुत थक गए हैं। तो ये पीछे इतना येलो येलो सब दिख रहा है, ये चाउमिन था और ये मोमोज थे। पता नहीं मैंने क्यों हटा के नहीं दिखाया, क्योंकि इस टाइम ऐसा होता है कि बस जल्दी से दिखा दूँ आप लोगों को। ये बीफ चिली था जो कि बहुत अच्छा बना था, बहुत ही ज़्यादा, और काफ़ी हम सबको पसंद भी आया। और हमें ना मीठा मीठा कुछ नहीं पसंद चाइनीज़ में ना, तो इस तरीके से हमें ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। मैं हमेशा से ऐसी ही बना रही होती हूँ। उसके बाद मैंने ये पेपर चिकन बनाया था, पेपर चिकन जल फ्रेजी। देखें कितना अच्छा लग रहा है, मगर ये येलो येलो बहुत ज़्यादा लग रहा था। अब ये राइस भी फ्राइड राइस है, मैं ये भी बहुत किस्म की बनाती हूँ, और ये तो बिल्कुल वाइट था और इधर पता नहीं क्यों येलो येलो आया है। तो मैं बहुत से किस्म की बनाती हूँ फ्राइड राइस। तो बस आज मैंने थोड़े से सिंपल वाले बनाए थे, और साथ में ये ऑरेंज जूस था जो कि बिल्कुल फ्रेश जूस था, कोई टैंक वगैरह नहीं था। बस सिर्फ आज मैंने यही ही बनाया। उसके बाद बस हम खाना काबा की ज़्यारत कर रहे होते हैं, और साथ साथ अपना रोज़ा भी हमने खोला। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत करम है। आज हमारा माशा अल्लाह नवा रोज़ा था। अल्लाह पाक ने हमें आज का दिन भी दिखाया। अल्लाह पाक का बहुत करम है, बहुत ही करम है। बस फरमान को मैं सर्व कर चुकी थी, ये मैं अपने लिए ले रही थी। मोहम्मद हसन भी हमारे साथ ही था, मगर आज वो थोड़ा सा पता नहीं क्यों परेशान था। आज उसको नींद आ रही थी, उसकी नींद पूरी नहीं थी। मेरे बच्चे इस टाइम थोड़े से होते हैं, मोहम्मद हसन तो बहुत अच्छा होता था, मगर रोज़ा को तो इस टाइम उसको नींद आ रही होती है और वो सो भी जाती है। तो बस ये थोड़ा सा ठंडा हो गया था, तो मैं फरमान को यहाँ पर यही कह रही थी कि मैं इसे गर्म करके ले आती हूँ। अच्छा, ये है मोमोज़, ये मैंने बनाए थे, बहुत अच्छे मोमोज़ मैं बनाती हूँ, बहुत अच्छे। मैं कभी आप लोगों के साथ अपनी जो रेसिपी है उसे शेयर करूँगी। मैंने पाकिस्तान में 3 दफ़ा मोमोज़ खाए हैं, इतने फजूल किस्म के, इतने फजूल के मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं जो बनाती हूँ मैं वो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पाकिस्तान में मोमोज़ के अंदर प्याज डालते थे, उसका जो एक टेस्ट आता था वो इतना बुरा आता था, इतना बुरा के खाए ही नहीं जा रहे होते थे। तो बस ये है कि मैं अपनी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर ही शेयर करूँगी। उसके बाद बस हमने फरमान ने ही चाय बना ली थी। हम इतना ज़्यादा जल्दी चाय नहीं पीते, मगर आज हमने बना ली फ़ौरन से। और इसके बाद बस फिर मेरी थोड़ी सी सफाइयाँ, जो कि कुछ भी नहीं है। अब आप लोग ये देखें कि यही कुछ मेरे इफ्तार के बर्तन हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। ऊपर मैं क्यों साफ़ कर रही थी, थोड़ा सा मुझे फिर भी लग रहा था, हालांकि मैं एक दफ़ा कर चुकी थी, मगर मुझे फिर भी होता है कि नहीं एक दफ़ा और कर लूँ। तो ये बस मेरी यूँ समझें कि छोटी छोटी सी बातें हैं। अच्छा, बस अब ये बर्तन है मेरे, इसको मैं जल्दी से वॉश कर लूँगी, और बस अब मैं बिल्कुल ही फ्री हूँ। अब ये होता है कि फरमान और मैं एक दूसरे को टाइम दे रहे होते हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, और कितना जल्दी जल्दी मैं बर्तन धो रही हूँ। ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड पर कर दी कि मैं आप लोगों को दिखाऊं। देखिए, ऑलरेडी कुछ बर्तन मैंने पहले से धो के रखे थे इफ्तार से पहले। देखें, ये ऑलरेडी यहाँ पर रखे हुए हैं। तो मुझे देखें ना, अब आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा
ये नहीं है कि मैं रमदान में ही ऐसा कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं शुरू से ऐसा करती हूँ। मुझे ना डीप क्लीनिंग की ज़रूरत ही नहीं होती। ऐसा नहीं है कि मेरा घर गंदा नहीं होता, मगर यह है कि उस तरीके का नहीं होता। मैं साथ साथ सारी ही चीज़ें कर रही होती हूँ, और बिल्कुल मेरी जो आँखें हैं ना, वो दो आँखें मेरे सर के पीछे भी होती हैं। कहीं मुझे होता है, कभी भी कुछ भी ख्याल आ जाए कि यहाँ मुझे आज करना है, या मुझे थोड़ा सा कोई कोई भी जगह, घर की कोई भी कोना फील हो जाए, मैं उसी टाइम शुरू हो जाती हूँ। तो देखिए, अब मैं बिल्कुल ही फारिग हूँ, और बस ये है कि अब कोई मेरे पास काम नहीं होता। अब मैं कोई भी अपनी इबादत कर लेती हूँ, या कोई और भी कोई काम जो होते हैं वो कर लेती हूँ, या मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। बस इस तरीके से होता है। अच्छा, ये कुछ चीज़ें फरमान इफ्तार से पहले लेकर आए थे। ऐसा कभी भी नहीं होता कि मैं फरमान के साथ कहीं पर नहीं जाती। हम ज़रूर ही जाते हैं, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि कभी ऐसा हो कि वो अकेले चले जाएं। तो बस आज कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, और घर में फ्रूट्स ख़त्म हो गए थे। तो ख़त्म नहीं हुए थे, बस एक एक दो दो ही रहते थे। तो ये जो मैंगोज़ आपने देखे, ये यमन के थे, और बहुत मीठे होते हैं। अच्छा, ये एक अकेला एप्पल था। एप्पल्स ऑलरेडी हमारे पास पड़े हुए थे। ये हमारे घर में एक थीफ है, जो कि जब भी ग्रोसरी के लिए हम जाते हैं, वो कुछ ना कुछ वहाँ से उठा के लेकर आता है। कभी बनाना लेकर आता है, कभी एप्पल, और ये पकड़ के रखती है वो। तो ये हमेशा हमारे घर में ऐसा आता है, और फिर वो लोग हमें डाल के भी देते हैं। तो बस यही कुछ फ्रूट्स थे। ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, बस थोड़े थोड़े से अभी बाकी थे। तो मुझे यही हो रहा था कि नहीं, हम आप ले आएं, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती हूँ। तो बस यही थोड़ी सी ही चीज़ें थी। अच्छा, ये स्ट्रॉबेरीज जो हैं, ये बिल्कुल अच्छी नहीं लेकर आई। उन्होंने मुझे कॉल की थी कि अच्छी नहीं है, तो मैंने यही सोचा कि चलो मैं कोई जूसेस बना रही होती हूँ, तो उसमें मैं डाल दूँगी। हालांकि ये खाने वाली तो मुझे नहीं लग रही हैं, बल्कि हैं भी नहीं। उसके बाद ये पोमेग्रेनेट्स, जो कि बहुत मज़े के हैं, ये भी यमन से ही हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो बस हमारी जो ग्रोसरी है, अब वो हम वीकली अब लेकर आते हैं। जो भी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, वो वीकली लेकर आ रहे होते हैं हमारा। अच्छा, ये भी नहीं कि रमदान में ही ऐसा है, नहीं, हम यही होता है कि हर वीक ही जा रहे होते हैं। अच्छा, बनानास हम बहुत सारा लेकर आते हैं, क्योंकि ये भी आप लोगों को ग्रीन दिखे, ऐसा है कि ये एक दिन में ही बन जाते हैं। साथ में दही थी, मिंट ख़त्म हो गया था, बस यही था। अच्छा, अब ये रात का टाइम है। ये फरमान को चाहिए था, बस वो खाना खा रहे थे, तो ये उनके लिए मैं गर्म कर रही थी। तो बस यही तक था आज का मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर ही बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।